एसोसिएट टीम्स में अगर सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग या फिर सबसे पैशनेट फैन फॉलोइंग आप किसी की कहेंगे तो वो बिल्कुल नेपाल क्रिकेट टीम की है। जी हाँ, एसोसिएट टीम्स पर जितनी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की फैन फॉलोइंग और जिस तरह का पैशन फैंस में नजर आता है वो कहीं ना कहीं टीम की परफॉर्मेंस में बिल्कुल भी नहीं झलकता। बिल्कुल बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि ओडीआई में बहुत ही स्ट्रिक्टली एवरेज टीम आप नेपाल को कह सकते हैं, और टी जरूर ट्वेंटी में भी हाल फिलहाल ही जो यंगस्टर्स ऐड हुए हैं वो भी उसमें भी एक सीरीज हमें ऐसी देखने को मिली है जहां पर काफी शानदार बिल्कुल परफॉर्मेंस नेपाल क्रिकेट टीम की रही है, और जिस वजह से वो ग्लोबल क्वालिफायर्स में भी है अपने रैंकिंग के बलबूते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम नेपाल टीम के साथ एक जुड़ी हुई है, वो है एंड मोमेंट पे चोक करना। जी हाँ, अब आप समझेंगे कि आखिर चोक का मतलब क्या है, काफी लोग आपको से जानते भी हैं। जरूर बिल्कुल ऐसा ऐसा वर्ड है ये। सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हो, आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो, आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा हाइप और बज क्रिएट हो, लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस एक बार नहीं लगातार ना कर पाना, उसी को कहीं ना कहीं चोक कर कहते हैं, खास करके बड़े बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स में जब आप जाते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन वही है जो हमारा आज का पार्ट 2 होने वाला है। जी हाँ, पार्ट 2 में व्हाई नेपाल क्रिकेट इज लैगिंग बिहाइंड, इसका पार्ट 2 जो है वो हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले जानते हैं यान कि पार्ट 2 आखिर टॉपिक है क्या। बिल्कुल पार्ट 2 बहुत क्रुशियल हमारे यहाँ पे टॉपिक है कि आप चोक आखिर नेपाल क्यों करता है क्रुशियल मोमेंट्स पे। आप एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा पीछे अगर मैं आपको लेके चलूँ, थोड़ा सा बैक आज से 2010-11 के टाइम पे, तो वहां पे जब डिवीजन 4 हुआ था 2010 में, डिवीजन 4 और ACC का ट्रॉफी इलाइट 2010 में खेली, नेपाल ने खेली थी 2010 में। 2011 में फिर कोई सीरीज या कुछ भी नेपाल ने नहीं खेला। ये बहुत बड़ा एक समझने वाली बात है कि आप 2010 में, यानी कि स्ट्रिक्टली बेस टू अगर देखा जाए जो टूर्नामेंट अगर आप दिए गए हैं ICC की तरफ से या ACC की तरफ से, स्ट्रिक्टली बेस सिर्फ उसमें ही खेला गया था। 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, जब खुद पे कुछ आया कि चलिए हम कुछ प्रिपरेशन करवाते हैं, कुछ तैयारी करवाते हैं, वहां पे खाली हाथ रहा था नेपाल। तो 2011 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी अगर हम देखेंगे 2021 की, अभी हम आएंगे इस पे आगे, ज्यादा कुछ बदला नहीं है। 2021 में भी थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन जैसे कि आपने कहा क्या टॉपिक है, क्या मुद्दा है, जरूर चोक करने का जो भारी जो एक नुकसान है वो उठाना पड़ता है नेपाल को। जी हाँ, तो टॉपिक का मेन मोटिव ये है कि प्लेइंग प्ले मोर टूर्नामेंट्स एंड मैचेस। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल जो है वो ये है कि सब मैचेस जिस तरह की हमें देखने को मिलते हैं नेपाल क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो ज्यादातर ICC के मैचेस ही खेलते हुए नजर आते हैं। अब आप इसमें सोचेंगे अभी तो मैचेस हुए थे, ये हुए थे, कैंप वैम्प चलते हैं, उस पर हम आपको अच्छे से डिटेल में समझाते हैं। ICC के टूर्नामेंट्स में मोस्टली खेलते हुए नेपाल क्रिकेट टीम नजर आती है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक है। अगर आप सिर्फ ICC के टूर्नामेंट ही खेलते हुए नजर आएंगे, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने बाद बाद ही अगर मैचेस और सीरीजेस खेलने को मिलेंगे, 2 महीने, 3 महीने में भी आजकल बहुत ज्यादा टाइम गैप हो जाता है, तो फिर आप प्लेयर्स को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्लेयर बेकार खेल रहा है, ये प्लेयर फॉर्म में नहीं है, प्लेयर वो नहीं है? अगर एक प्लेयर 10 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने तक बैठा हुआ है, कोई क्रिकेट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, तो फिर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी वो प्लेयर आए और अचानक से एक क्लोज कैंप खेले या कुछ प्रैक्टिस वैक्टिस करके सीधा शतक मार दे या फिर सीधा परफॉर्म कर दे? यहां पर ये चीजें नहीं होती, और यही वजह होती है लैक ऑफ एक्सपोजर की वजह से, क्योंकि मैचेस नहीं होते, इतने इतने टूर्नामेंट्स नहीं होते, जिस वजह से एक्सपोजर और एक्टिविटीज ज्यादा क्रिकेट की नहीं होती। इस वजह से क्रिकेटर्स को काफी दिक्कत होती है, और वो इस क्रूशियल मोमेंट्स पर अब डायरेक्ट आप प्लेयर्स बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और उससे पहले आप कुछ कराते हैं थोड़ा मोटा, और उसके बाद सीधा बोलते हैं भाई ICC इवेंट में जाके आपको झंडे गाड़ने हैं। ऐसा नहीं हो पाएगा, इतना आसान नहीं होता। और वो हम खाली नेपाल क्रिकेट को बोल के नहीं, वो हम ओमान क्रिकेट में भी देख रहे हैं। 2 साल से लगातार पैरेडिमिक में उनका खेल रुका हुआ था, उसके बाद ज्यादा प्रैक्टिस मिली नहीं, और आप देख सकते हैं पैरेडिमिक से पहले की ओमान और पैरेडिमिक की बाद की ओमान में बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। लेकिन यहाँ पर अगर क्रिकेट की बात करें, अब आप सोचेंगे यहाँ पर कि कुछ ऐसी चीजें भी करा सकता कराई जाती हैं, जैसे कि क्लोज कैंप्स है या फिर कोई छोटी मोटी फ्रेंडली सीरीज है, क्या उससे कुछ फायदा होता है? बिल्कुल नहीं। समझाए, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। आप रेस्टिंग मोड पे हैं प्लेयर, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, रेस्टिंग मोड पे प्लेयर्स हैं, अभी नवंबर में फॉर एग्जांपल सीरीज शुरू होने वाली है, ICC का राउंड 7 शुरू होने वाला है, फॉर एग्जांपल अगर इसे ले लेते हैं, मंथ चल रहा है जुलाई या जून कहें,
उस बीच में अगर आप कहेंगे कि डायरेक्ट हम अक्टूबर पड़ता है नवंबर से पहले, अक्टूबर में हम एक क्लोज कैंप रखवाएंगे 2 वीक्स का, तो वहां पे हम प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। खुद में इंट्रा स्क्वाड मैचेस खेल के कभी भी प्रैक्टिस नहीं होती, हाथ खुलते हैं प्रैक्टिस नहीं हो सकती इंट्रा स्क्वाड गेम्स में, वो तो हो ही नहीं सकता। 2 वीक्स के कैंप में अगर हम बात करें, जुलाई अगस्त से आप कोशिश कर रहे हैं, घर से बैठे हुए हैं, जुलाई अगस्त आया, नवंबर में आपका राउंड 7 है, यहाँ पे आप कोशिश करिए जुलाई अगस्त जो टाइम होता है, या मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, महीना कोई भी हो सकता है, बोल के नहीं कि जुलाई अगस्त में आप क्यों इतना फोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप मार्च अप्रैल मई कुछ भी रखिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप कि आप दूसरे देशों से, जी हाँ, दूसरे देशों को इन्वाइट कर सकते हैं कि आप आइए हमारे साथ, दो दो या तीन तीन मैच के कुछ T20 अगर सीरीज वनडे है तो वनडे का राउंड 7 ऑब्वियसली वनडे का ही होता है, तो वनडे खेलिए, आइए हमारे घर या हम आपके यहाँ आए, ऐसा कुछ भी हो सकता है, 2-3 मैचों का रख सकते हैं। ये बड़ी टीम की मतलब टीमों के लिए, जैसे ये आप UAE को इनवाइट कर सकते हैं, आप और भी टीमें हैं, ओमान है, USA है, स्कॉटलैंड है, क्योंकि नीदरलैंड से आपको खुद अप्रोच करना होगा, और ये नहीं कि आपने एक बार बुलाया और उसके बाद सालों बाद खेल रहे हैं उनकी टीम से, ऐसे नहीं, आपको लगातार साल में मैचेस खुद की तरफ से भी कराते रहने होंगे। अब आप ये सोचेंगे कि दिसंबर में हमारी सीरीज है और जुलाई में हमने आखिरी मैच खेला था, चलिए नवंबर के आसपास एक क्लोज कैंप रखवा लेंगे 2 महीने का, और एक ट्रेनिंग कैंप रखवा लेंगे, और किसी छोटी मोटी टीम को बुला के 2 फ्रेंडली मैच खेल लेंगे, और उसके बाद हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। PNG के खिलाफ भी प्रैक्टिस मैचेस 2 खेले गए थे, वहां दोनों में जीत मिली, लेकिन वर्ल्ड क्रिकेट जब शुरू हुआ उसमें क्या हुआ, ओमान और USA के हाथों हार गई, वो USA जिनको आपने 36 रन पर ऑल आउट किया हुआ है, उसी USA ने आपको हरा दिया और आपसे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छीन लिए। तो आप इसके अंदाजा लगा, तो क्या फायदा हुआ PNG के साथ हाथ खोल के, जब आपका वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के जब राउंड 6 आया तो आपकी परफॉर्मेंस एवरेज रही, सिर्फ 2 मैच जीते आप 4 में से, यही प्रॉब्लम आगे भी चलती रहेंगी। आप अगर क्लोज कैंप और 2 फ्रेंडली मैचेस से सोचेंगे कि प्रैक्टिस हो जाएगा टीम का भला हो जाएगा, ये नहीं होने वाला, आपको ICC से हट के भी मैचेस खेलने होंगे और अब यहाँ पे बहुत से यहाँ पे लोग हमारे व्यूवर्स भी कह सकते हैं या फैंस भी सोचने में मजबूर होंगे कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, बजट का इशू हो जाता है, ये तो है, बिल्कुल मुद्दा है, छुपा नहीं है, बिल्कुल नहीं छुपा, इसको लेके भी यहाँ पे आप सोचेंगे कि रास्ता तो बंद हो गया, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी एक वे है, यहाँ पे भी आप टीम को इन्वाइट कर सकते हो, बस वो टीम क्या होगी, वो टीम क्लब्स की टीम होंगी, डोमेस्टिक की फर्स्ट क्लास डिवीजन की टीमें होंगी, जैसे कि आप इंग्लैंड की टीमों से डोमेस्टिक टीमों जो होती हैं, जैसे कि उनकी गांव की टीमें, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, अब आपके नेबरहुड कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बिल्कुल सब नेबरहुड कंट्री से ही बेनिफिट लेते हैं, आप स्कॉटलैंड को देख लीजिए, वो आप वहां से लेते हैं, बिल्कुल, तो आप किसी को भी देख सकते हैं, आयरलैंड को आप देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका, बिल्कुल, तो ये सब एग्जांपल्स हैं। तो पाकिस्तान, श्रीलंका या इंडिया से आप डोमेस्टिक टीमों को बुला सकते हैं, बजट का इशू वहीं पे खत्म हो जाएगा। जी हाँ, डोमेस्टिक टीमें कभी भी इंटरनेशनल एसोसिएट इंटरनेशनल की टीमों से भी कम ही बजट लेती हैं, ये हम देख चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है, बिल्कुल हो चुका है, आप इसी ख्वाब में हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, तंजानिया और केन्या, जी हाँ, केन्या, तंजानिया और इस तरह की जो टीम्स हैं वो इंडिया की रणजी टीम्स के साथ खेलती हैं, उनको बुलाती है, उनके साथ प्रैक्टिस करती है, उनके साथ मैचेस खेलती है, और मैचेस खेलते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ वार्म अप मैचेस खेल रहे हैं, वो मैचेस खेलते हैं, उनके साथ उनका प्रैक्टिस होता है, और उनकी टीम धीरे धीरे बिल्डअप हो रही है, वो क्रिकेट में खुद को बिजी रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अगर आप पेनल्टी पीरियड को डाल देंगे तो उसके अलावा उन्होंने काफी शानदार इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी रखी है। बिल्कुल, एक छोटी सी बात मैं बोलूंगा कि वो नेपाल बोर्ड से भी छोटे बोर्ड है, आप ये सोचेंगे कि यार तंजानिया टीम ने तो कहां पहुंचा है खेल के, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने आप को उस बजट में भी बिजी रखने की कोशिश करते हैं, आपने जैसा कहा कि बहुत बड़ी बात है, तो नेपाल तो ऑब्वियसली इतनी डोमेस्टिक टीम्स को, फर्स्ट क्लास टीम्स को आराम से बुला सकता है, अगर वो एसोसिएट टीम को मतलब नहीं कर पाता है तो ऐसा। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप टीम्स को नहीं बुला पाते, चलिए आपने एक बार टीम को बुलाया, मान लीजिए एक साल में आपने बड़ी टीम्स का एक सीरीज रखवा ली, एक बार यहाँ पे सीरीज रखवा ली, और उसके बाद एक सीरीज और रखवा ली, साल में आप 2 सीरीज बड़ी टीमों से कर पाए, बड़ी टीमों का मेरा मतलब है एसोसिएट टीम्स को, जो बड़ी टीम है, USA हो, स्कॉटलैंड हो, ओमान हो, UAE हो, नीदरलैंड्स हो, इनकी बात कर रहा हूं मैं, साल में आपने 2 रखवा लिए, तो चलिए यानी 2 महीने आपके बिजी हो गए, उसके अलावा ICC टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके बीच में आप अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं बड़ी टीम्स को, पैसे की दिक्कत बिल्कुल होती है, तब आप इस तरह की काउंटी टीम्स को बुला सकते हैं, आप श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, इंडिया
इंडिया हो, बांग्लादेश हो, इन सबकी इंडिया की रणजी टीम्स को आप इन्वाइट कर सकते हैं, उनसे कर सकते हैं। बिल्कुल यकीन मानिए वहां पर बजट इश्यू नहीं होता। अगर कोई कह रहा है कि वहां पे बजट इश्यू है तो फिर वो बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि इतना बजट इश्यू भी नहीं होगा जितना आपको टीम्स को बुलाकर रखने में होने वाला है। हमने ताजा देखा ओमान ने भी मुंबई को बुलाया, ओमान ने मुंबई को बुलाया, उनके साथ वनडे और टी20 खेले, वो भी एक कंप्लीट बजट में। तो इस तरह की चीजें होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको एक वो चीज दूर करने में मदद करेगा जिसे हम चोक कहते हैं। और मैं ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, हमने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत सारे व्यूज पढ़े हैं नेपाल क्रिकेट फैंस के ही। उन्होंने खुद कहा कि एंड मोमेंट पे हमारी टीम को बहुत बड़ी चोक करने की आदत है। सिर्फ ये नहीं कि हमने कहीं से आर्टिकल्स पढ़े या उठाए या रिसर्च किया और आपके सामने आ गए, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हमने पढ़े हैं व्यूअर्स के, जिन्होंने कहा कि हमारी बैटिंग कलर्स भाई आप जानते नहीं है, इस तरह से होती है, उस तरह से होती है, टीम्स बहुत उम्मीद ज्यादा होती है लेकिन वो टीम्स खड़ी नहीं उतर पाती है उस तरह की। तो ये चीजें कैसे होती है जब आप क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे लगातार, जब आप लगातार इन्वॉल्वमेंट नहीं लेंगे, जब एक्टिविटीज नहीं लोगे। अब आप यहाँ पे सोचिए, एवरेज प्रीमियर लीग अभी अभी हुआ है, कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे 9-10 तारीख को शायद कंप्लीट हुआ है, 10 सितंबर को शायद कंप्लीट हुआ है। 10 तारीख के बाद अब अगली बार वो सारे प्लेयर कब खेलने वाले हैं किसी को पता नहीं है, अभी किसी को नहीं पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है। सब आकलन लगा रहे हैं दिसंबर को शायद सीरीज होगी, लेकिन कोई कंफर्मेशन डेट तो अभी नहीं आई है ना, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने हो गए। अगर दिसंबर में नहीं हुआ तो चलिए पुश कर ले जनवरी में हो गए। अब अगर इतने अंतराल के बाद मैचेस रखवाएंगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनवरी में जाके एकदम से कोई धमाका करेगी टीम और 4 के 4 वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के मैच जीत जाएगी? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। आपको एक्सपोजर चाहिए और वो मिलेगा आपको मैचेस ज्यादा खेल के, आपको एक्टिविटीज ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखनी पड़ेगी क्रिकेट में, क्रिकेट ज्यादा कराने की जरूरत है। बजट्स के इश्यूज के बीच में भी आप इस तरह का मैनेजमेंट रखिए ना बोर्ड में, इस तरह के लोग रखिए बोर्ड में जो इस तरह के आपको तरह तरह के आइडियाज निकाल के दे। सबसे बड़ी बात है आइडियाज को देना और इम्प्लीमेंट करवाना उस पर। आइडियाज थिंक टैंक अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको कई तरीके से बता सकता है कि आप बजट में रहकर किस तरह से एक्टिविटीज को ऑन रख सकते हैं क्रिकेट की, खास करके आईसीसी को भी इसमें इन्वॉल्व करके। और यहाँ क्या कुछ है इससे बिल्कुल, और यही सबसे अच्छा चीज है अगर आप बैठे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आईसीसी के जो मैचेस या आप कहें क्वालिफायर्स होते हैं वो कप्स में जाने के लिए होते हैं, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि हम डायरेक्ट जाएंगे ग्लोबल क्वालिफायर या राउंड 8 या राउंड 9 में और हम उस राउंड को जीत जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो सबसे अच्छी बात है आप उसके लिए प्रैक्टिस करिए बिल्कुल उस तरीके से। अगर राउंड 8 है तो आप 50 ओवर का प्रैक्टिस करिए, लोअर क्वालिफायर है तो T20 का, लेकिन इंट्रा स्क्वायर या 2 वीक्स कैंप वो सब ठीक नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। आप एसोसिएट नेशंस को बुला सकते हैं, नहीं कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर डोमेस्टिक को बुला लीजिए अगर नहीं हो पा रहा है तो, एसोसिएट का या एसोसिएट नेशंस का डोमेस्टिक टीम ओपन है, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, आपके नेबरहुड में इतनी कंट्री है क्रिकेटिंग नेशंस वाली, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, तो यही है करेंगे, इससे एक्टिविटी रहेगी, मैचेस खेलने को मिलेंगे, प्लेयर्स बैठे नहीं रहेंगे। जैसे कि हम घर में कहावत भी है, अगर कोई चीज ज्यादा देर तक कहीं पड़ी रहती है तो उसमें जंग लग जाता है, बस यही तरह की चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। अगर प्लेयर्स 2-3 महीने तक बैठे रहेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4th महीने में आके वो सीधा सेंचुरी मारेंगे और सीधा वो 200 रन मारेंगे या 300 रन मारेंगे। अब मान लीजिए ग्लोबल क्वालिफायर्स भी आ रहे हैं, अब आप सोचिए ग्लोबल क्वालिफायर्स आ रहे हैं, उसमें अभी तक की टीम्स जो है यहां से ओमान, नीदरलैंड्स और पीएनजी वो भी वहां पर इंक्लूड हो चुकी हैं, यहां पर यूएई, जिम्बाब्वे जैसी टीम्स वहां पर ऑलरेडी मौजूद हैं, जर्मनी जैसी टीम्स भी वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सीधा यहां से जनवरी में एक सीरीज हो और उसके बाद सीधा वो ग्लोबल क्वालिफायर चले जाए, मान लीजिए ग्लोबल क्वालिफायर चौक कर गए, फिर तो आप किसे दोष देंगे? नेपाल प्लेयर्स को दोष देंगे? प्लेयर्स को कैसे दोष दे सकते हैं जब उनको मैचेस ही खेलने को नहीं मिल रहे हैं, वो इतना लंबा गैप लेके बैठे हुए हैं, तो उसके बीच में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके? वो अचानक से ग्लोबल क्वालिफायर से पहले 2-3 सीरीजेस T20 की आपको रखवानी पड़ेगी, चाहे डोमेस्टिक से रखें, चाहे आप रणजी की टीमों से रखें, चाहे आप किसी भी और कंट्री की डोमेस्टिक टीमों से, काउंटी टीमों से रखें, लेकिन आपको रखवानी जरूर पड़ेगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि नेपाल क्रिकेट में बहुत ज्यादा इस वक्त प्रॉब्लम में है, और इसीलिए इसे पार्ट 2 में रखा है हमने, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि क्रिकेट बहुत कम होती है, अगर आपके पास बजट का इश्यू है तो उसका भी हमने एक आइडिया दिया है कि आप उसको भी रख सकते हैं। ओवरऑल एक अटैम्प में अगर आपको बताना हो तो आप क्या कहेंगे, ग्लोबल क्वालिफायर से पहले कम से कम कितने T20 मैचेस नेपाल को खेलने चाहिए और करवाने ही होंगे, क्योंकि ग्लोबल क्वालिफायर्स कोई मजाक नहीं है, वो आपका एक और सपना तोड़ सकता है और लगातार आपको 3 बार T20 वर्ल्ड कप से वंचित रख सकता है।
बिल्कुल, और सीधी सी बात है, आप ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा मिनिमम मिनिमम यहाँ पे कम से कम दो तीन तीन मैच का आप एक टीम के साथ, अगर आप ट्राई सीरीज वगैरह खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली ज्यादा हो ही जाता है, पांच मैच हो जाते हैं उसमें, शायद चार पांच मैच हो जाते हैं, लेकिन अगर आप वन टू वन खेल रहे हैं, बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं, तो आप तीन मैच का या पांच मैच का तो कोशिश करिए ही करिए एक टीम के साथ। और अगर एसोसिएट नेशंस के साथ नहीं हो पा रहा है तो जैसा हमने बताया फटाक से डोमेस्टिक टीम्स, रणजी टीम्स या फर्स्ट क्लास की टीम्स को बुलाइए, कॉल करिए, जल्द से जल्द करवाइए। तो मिनिमम फाइव से सिक्स मैचेस तो होने ही चाहिए पहले पहले, लेकिन ये भी जल्द से जल्द, देखिए अगर ज्यादा से ज्यादा मैचेस होंगे तो बहुत अच्छा होगा, यानी फाइव सिक्स मैचेस तो मिनिमम कह रहा हूँ। जी हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यही है। तो खैर ये थी एक प्रॉब्लम जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, आप इसे कई लोग इसमें सहमत होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सहमत अगर होते हो बाकी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, आप हमसे सहमत है या नहीं है वो भी प्लीज जरूर रखिए। पार्ट थ्री, इसका पार्ट थ्री हम लेकर आएंगे बहुत ही जल्द, वो भी बहुत जबरदस्त टॉपिक है। जी हाँ, वो भी बहुत बड़ा इश्यू है कि नेपाल क्रिकेट को वो भी पीछे खींचता है और उसका भी बहुत मेजर रोल है इस नेपाल क्रिकेट के इसमें इक्वेशन में। खैर जो भी होगा आपको सारी अपडेट्स मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिलते रहे। T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड भी सारी अपडेट्स हम आपको लगातार प्रोवाइड कर रहे हैं, कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए, वहां भी अपडेट्स आपको लगातार हम क्रिकेट से रिलेटेड पहुंचाते रहते हैं। एफर्ट्स के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। बाय बाय।